शिवसेना के भीतर जब MLC चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हुआ कि उनके अपने उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जब उद्धव ठाकरे को एहसास हुआ कि इस बार बगावत उनकी कुर्सी छीन लेगी, उद्धव ठाकरे ने बिना देर किए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास वर्षा छोड़ दिया और मातोश्री पहुंच गए। आपको बता दें, वर्षा पर अब कब्जा एकनाथ शिंदे का है, जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें हैं जो लगातार वायरल हो रही हैं। इन खबरों के बीच में एक खबर कुछ ऐसी है कि एकनाथ शिंदे अपनी पत्नी अलका रिपीट अपनी पत्नी लता शिंदे के साथ मातोश्री पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। जी हाँ, जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें, सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपनी पत्नी लता शिंदे के साथ मातोश्री पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। जब इस वायरल खबर की जांच पड़ताल की गई, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई कि ये खबर सच है या नहीं, तो मालूम पड़ा कि ये खबर पूर्ण रूप से फेक है। जी हाँ, ना तो एकनाथ शिंदे मातोश्री मुलाकात करने पहुंचे हैं, ना ही उनकी पत्नी लता शिंदे मातोश्री मुलाकात करने पहुंची हैं। मातोश्री वो विधायक पहुंचे थे जिन्हें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से शिकायत थी, वो सांसद पहुंचे थे जिन्हें उद्धव ठाकरे को लेकर मन में कई सारे सवाल थे। इन सब ने उद्धव ठाकरे के पास जाकर अपने मन की बात कही। नाराज सांसद और विधायकों की बात सुनने के बाद ही उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के खिलाफ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।